जो गौशालाएं हैं इनका प्रबंध मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। भाई उसका गोबर उठाएंगे, भाई उसके दूध पिएंगे और भाई सारा प्रबंध करेंगे और गौशालाओं को हम कमर्शियल पर्पज से चलाएंगे। आवारा जानवरों की समस्या लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में है। गांव में किसान परेशान है तो शहर में राहगीर। किसानों और शहरियों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए यूपी सरकार के पशुधन विकास मंत्री ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आवारा जानवरों का प्रबंधन करेंगे। उन्होंने कहा कि गौशालाओं की जिम्मेदारी बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। वो गाय का गोबर उठाएंगे, गाय की सेवा करेंगे और फिर दूध पिएंगे। जो गौशालाएं हैं इनका प्रबंध मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। भाई उसका गोबर उठाएंगे, भाई उसके दूध पिएंगे और भाई सारा प्रबंध करेंगे और गौशालाओं को हम कमर्शियल पर्पज से चलाएंगे। उनमें गायें भी पलवाएंगे। अभी गाय जो छुट्टा रहती हैं, ना उनका हमको गोबर मिलता है, ना उनको मूत्र मिलता है, ना उनका दूध मिलता है। गाय के अंदर 5 द्रव्य हैं जिनको हम पंचगव्य कहते हैं। नंबर 1 दूध, नंबर 2 दही, नंबर 3 घी, नंबर 4 गोबर और नंबर 5 मूत्र। ये 5 द्रव्य हैं। मंत्री जी ने पूरा प्लान बता दिया। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को कमर्शलाइज करेंगे ताकि पंचगव्य का सही उपयोग हो सके। धर्मपाल ने कहा कि गौशालाओं की जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, उनसे जमीन को मुक्त कराया जाएगा। वहां पर गौ सेवा केंद्र खोलेंगे, गायों के लिए चारे की बुआई की जाएगी, साथ ही गायों का पालन पोषण भी किया जाएगा। धर्मपाल सिंह ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक सिर्फ आवारा गायों को ही नहीं बल्कि उनके साथ नई नस्लों की गायों को भी रखा जाएगा। जो चरागाह की जमीनें हैं, जो गौशाला की जमीनें हैं, जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, उन्हें कब्जा मुक्त कराएंगे और कब्जा मुक्त करा के उन्हें हरा चारा बुवाकर गायों का प्रबंध करेंगे। और जो गौशालाएं हैं इन गौशालाओं का प्रबंध बहुत बेहतर करेंगे। पिछले भी ठीक हुआ है, इसे और ठीक करने की आवश्यकता है। ये चुनौती का जो कार्य है ये चुनौती नहीं, इसको हम अवसर मानते हैं। विधानसभा चुनाव में आवारा जानवरों का मुद्दा विपक्ष ने खूब उठाया था। बीजेपी के लिए आवारा जानवर किसी चुनौती से कम नहीं थे। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूपी की एक रैली में स्वीकार किया कि आवारा जानवरों से किसान परेशान है। पीएम मोदी ने वादा किया था कि चुनाव के बाद इस समस्या से निदान की व्यवस्था की जाएगी। सीएम योगी ने भी आवारा जानवरों की समस्या से किसानों को मुक्त करने का वादा किया था। अब योगी सरकार के मंत्री ने उस दिशा में प्लान तैयार कर लिया है।